seen in life. Guarantee with you, if it's my comment, you wanna be my wife. You ain't even gotta turn the lights if you can see the fight. Tonight with me, you can be whoever you wanna be tonight. I can be your freak tonight, or what you wanna eat tonight. You can pay the piper, cause I'm looking like the Peter type. Peter packs a pickle pivot in perfect position. Provide a prolonged. Unwrap that candy, baby. हेलो व्हाट्सअप गाइज, यार तो कैसे हो आप सब लोग। गाइज आज का ट्यूटोरियल बहुत ही कूल होने वाला है क्योंकि आज हम फ्रिज फ्रेम वाले ट्रिक को नए तरीके से यूज़ करने वाले हैं। तो गाइज इस वीडियो में मैं दो चीज़ कवर करूँगा, कैसे बॉडी के अदर पार्ट बॉडी में अटैच हो रहे हैं और जैसे बॉडी में अटैच होते हैं तो एक सेक इफेक्ट आता है, उसे भी कैसे एडिट करना है मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा। तो जो भी इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाना, और इस ट्यूटोरियल से आपको अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए कोई आइडिया मिले तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। सो गाइज ऐसे इफेक्ट लगाने के लिए आपको कोई भी ज़्यादा मूवमेंट वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे डांस स्टंट या फिर कुछ भी जिसमें ज़्यादा मूवमेंट हो। गाइज अब ओपन करते हैं काइन मास्टर और जो वीडियो हमने सेलेक्ट किया है उसे टाइमलाइन में एड करते हैं, और जहाँ जहाँ पे हमें ऐसा इफेक्ट चाहिए वहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और टाइमलाइन में डबल टैप करके मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे जाके उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो हमारे गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। और पूरे वीडियो में जहाँ जहाँ पे हमें ऐसा इफेक्ट चाहिए वहाँ वहाँ पे वीडियो को पॉज करना है और टाइमलाइन में डबल टैप करके मार्क करना है, और ये वाले ऑप्शन में जाके उस पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेना है। जितने भी हमने स्क्रीनशॉट लिए हैं उनका बैकग्राउंड इरेज करके हमें उसका ट्रांसपेरेंट वाला कटआउट लेना है। इसके लिए आप गूगल में जा सकते हो और टाइप करना है remove.bg। और ये अपलोड वाले ऑप्शन में जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसे अपलोड करना है। ये सिर्फ 60 सेकेंड में आपका बैकग्राउंड इरेज करके आपको ट्रांसपेरेंट वाला कटआउट इमेज दे देगा। आपको यहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर लेना है और ऐसे वन बाई वन करके जितने भी स्क्रीनशॉट लिए उन्हें यहाँ पे अपलोड करना है और उनका बैकग्राउंड इरेज करना है। अगर यहाँ से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड इरेज नहीं होता तो आप किसी भी बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, जैसे पिक्सआर्ट या पिक्से प्रो। अब अपने काइन मास्टर वाले प्रोजेक्ट में आते हैं और जहाँ पे हमने मार्क किया था उस पॉइंट पे जाके ये लेयर वाले ऑप्शन में जाना है, और मीडिया में जाके उस पॉइंट के स्क्रीनशॉट का जो हमने ट्रांसपेरेंट कटआउट बनाया था उसे टाइमलाइन में ऐड करेंगे। अब लेयर को सेलेक्ट करके स्क्रीन में फिट कर लेंगे ताकि उसका बैकग्राउंड उसके साथ अच्छे से ओवरलैप हो जाए। अब लेयर को स्लाइड करके जहाँ पे हमने मार्क किया है उसे थोड़ा सा आगे ले आएंगे। अब जहाँ पे हमने मार्क किया है उसके राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है लेयर का उसे ट्रिम करके डिलीट कर देंगे। अब जितने पार्ट में आपको अपनी बॉडी का डिवाइड करना है उतने पार्ट में आपको उसका डुप्लीकेट लेयर ले लेना है। तो आपके थ्री डॉट में जाना है, उसका डुप्लीकेट लेयर ले लेना है। मैंने यहाँ पे उसके दोनों हाथ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है इसलिए मैंने दो लेयर लिया है। अब पहली वाली लेयर को सेलेक्ट करना है और ये क्रॉप वाले ऑप्शन में जाके उसके पहले वाले हाथ तक उसे क्रॉप कर लेना है। अब दूसरी वाली लेयर को सेलेक्ट करना है और ये क्रॉप वाले ऑप्शन में आके उसके दूसरे हाथ तक उसे क्रॉप कर लेना है। अब पहली वाली लेयर को सेलेक्ट करना है और ये की वाले ऑप्शन पे आना है और लेयर को स्लाइड करके उसके इन पॉइंट पे आना है जहाँ पे हमने मार्क किया था, और ये प्लस वाले आइकन को टच करके लेयर को वहाँ पे पिन करना है ताकि लेयर घूम फिर के उसके इन पॉइंट पे वहीं पे आए जहाँ पे हमने पिन किया है। अब लेयर को स्लाइड करके उसके स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आएंगे और उसे स्लाइड करके बॉडी से दूर ले जाएंगे रोटेट करते हुए, ताकि जब वीडियो स्टार्ट हो तो लेयर दूर से रोटेट करते हुए आए और इन पॉइंट में अपने बॉडी से अटैच हो जाए जहाँ पे हमने पिन किया था। और ऐसे ही आपको दूसरे लेयर के साथ करना है। लेयर को सेलेक्ट करके ये की वाले ऑप्शन पे जाना है और लेयर को स्लाइड करके उसके इन पॉइंट पे आना है जहाँ पे हमने मार्क किया था, और प्लस वाले आइकन पे आके यहाँ पे एक पिन कर देंगे। अब लेयर को स्लाइड करके उसके स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आना है और लेयर को स्लाइड करके बॉडी से दूर ले जाएंगे रोटेट करते हुए, और सेम प्रोसेस आपको वहाँ वहाँ पे करना है जहाँ पे आपको ऐसा इफेक्ट चाहिए। गाइस अब शेयर वाले ऑप्शन में जाके इसका बिट रेट हाई कर देना है और इसे फुल एचडी में एक्सपोर्ट कर लेना है। जहाँ जहाँ पे बॉडी का अदर पार्ट बॉडी से अटैच होता है वहाँ पे हमें एक सेक इफेक्ट देखने को मिलता है जिसके बिना वीडियो अधूरा है। वीडियो में ऐसा इफेक्ट लगाने के लिए आपको दोबारा से ओपन करना है काइन मास्टर और जो वीडियो हमें एक्सपोर्ट किया है उसे टाइमलाइन में एड कर लेना है। अब वीडियो को सेलेक्ट करके ये थ्री डॉट पर जाना है और उसका डुप्लीकेट लेयर ले लेना है। अब लेयर की ओपेसिटी 50% कर देंगे
और लेयर को सेलेक्ट करके स्क्रीन में जूम करके कुछ ऐसे फिट करना है ताकि वो अपने बैकग्राउंड वाली वीडियो से थोड़ी सी बड़ी हो। अब जहाँ जहाँ पे बॉडी पार्ट अटैच हो रहे हैं, आई मीन जहाँ पे हमें सेक इफेक्ट चाहिए, वहाँ वहाँ पे लेयर को ट्रिम करना है, क्योंकि हमारा सेकिंग पार्ट बहुत ही छोटा है जहाँ पे ट्रिम करना इम्पॉसिबल है, इसलिए लेयर के येलो कर्सर को स्लाइड करके शॉर्ट करना है जहाँ जहाँ पे हमें सेकिंग इफेक्ट चाहिए। तो गाइज, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को डायरेक्ट चैट कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू गाइज।